आज का जो युग है इसके अंदर पीसी की सबको जरूरत है, और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप एक अच्छे खासा गेमिंग पीसी, वीडियो एडिटिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए काम में लेने वाला पीसी जो है आप बिल्ड कर सकते हैं मात्र 10-12 हज़ार रुपये की कीमत में। मैंने बहुत जुगाड़ लगाए हैं और जितना सस्ते से सस्ता हो सकता था उतना सस्ता मैंने करने की कोशिश की है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो फन में। और हाँ, नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नए वीडियो लेके आने की हिम्मत मिलती रहेगी, क्योंकि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। और अब तो और भी ज़्यादा आने वाले, क्योंकि मैं एडिट करने वाला हूँ इस पीसी से, क्योंकि पुराना जो मैं एडिट कर रहा था वो मैं किसी कोटोडू पीसी से एडिट कर रहा था। 2 GB रैम थी उस लैपटॉप की, ग्राफिक कार्ड उसमें था नहीं, तो मेरे को वीडियो एडिटिंग करने में लग जाता था बहुत सारा टाइम। एक 10 मिनट की एडिट करने के अंदर मेरे को 14-14, 15-15 घंटे लग जाते थे। इसलिए मैंने कदम उठाया, थोड़ा सा खर्चा किया, सोचा क्यों ना अपने आपको अपग्रेड किया जाए, क्योंकि आप भी हमारे 500 सब्सक्राइबर तो पूरे कर चुके हो और मेरे को पता है इसी वीडियो को देख के आप 1000 सब्सक्राइबर भी कर दोगे। सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक अभी कर दो, क्योंकि मज़ा आपको आने वाला है। चलिए बात करते हैं इसी पीसी के स्पेसिफिकेशन के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में, क्या क्या हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। हम इसके अंदर यूज़ करेंगे इंटेल का i5 4th generation प्रोसेसर, सेकेंड हैंड प्रोसेसर है, लेकिन कोई बात नहीं, आप प्रोसेसर सेकेंड हैंड ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि प्रोसेसर कभी ख़राब नहीं होते ज़्यादातर, यदि वो फिजिकल डैमेज नहीं हो। ये एनवीडिया का 2 GB का ग्राफिक कार्ड मैं यूज़ करने वाला हूँ, गीगाबाइट का ग्राफिक कार्ड है ये, 710 GT 710, ये मैं इसके अंदर यूज़ करने वाला हूँ। ग्राफिक कार्ड आपको क्यों यूज़ करना चाहिए पीसी के अंदर, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप कोई वीडियो एडिट वगैरह करते हो, हैवी फाइल आप वीडियो की एडिट करते हो, तो आप देखते हो जब एडिट करते हो उसको प्ले करते हो तो वहाँ पे क्या कि आपको थोड़ा सा लैग महसूस होता है, वो आपके ग्राफिक कार्ड की वजह से महसूस होता है। तो ये बेसिकली ये ग्राफिक कार्ड नहीं होता, ये GPU होता है, ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट। इसके अंदर खुद की इसकी रैम होती है, जितनी इसकी रैम होती है, जैसे इस ग्राफिक कार्ड की रैम है 2 GB। चलिए इतना ज्ञान एक बार काफ़ी है। ये मैं यूज़ करने वाला हूँ 8 GB की रैम, जो कि ऐसे ही लल्लू पंजू कंपनी की मैंने ले ली है, ठीक ठाक रेट में मेरे को मिल गई थी। ये जो है जेब्रोनिक्स का H81 मदरबोर्ड हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, और ये कैबिनेट है जेब्रोनिक की, कैबिनेट के ऊपर मैंने ज़्यादा खर्चा नहीं किया, पावर सप्लाई में पुरानी यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि मेरा बजट लिमिटेड था इसीलिए। तो चलिए सबसे पहले हम काम करते हैं कि इस मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। सबसे ज़्यादा पीसी की जो जान होती है और जो सबसे महंगा पार्ट होता है वो होता है आपका प्रोसेसर। यदि प्रोसेसर आप इंटेल का i5 नया प्रोसेसर लेते हैं तो वो पड़ता हमें तकरीबन 15 हज़ार रुपये के आसपास का, इसलिए हमने लिया जुगाड़ करके सस्ता। प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में बताऊंगा टोटल ये मेरे को कितने का पड़ा। तो ये हमारा मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड को कभी भी आप नीचे मत रखिएगा, क्योंकि मदरबोर्ड डैमेज हो जाता है, बड़ी ही नाजुक चीज़ होती है ये। इसके साथ इसका हमें चैम्बर मिल गया, ये इसके ड्राइवर की CD, एक ईसा का केबल हमें इसके साथ मिल जाती है। बाकी चलो शुरू करते हैं, जब देखने नहीं करते हैं, लोगों को भी बेसब्री से इंतजार था। ये सारी प्रोडक्ट्स में जो है दिल्ली से जाके लेके आया हूँ, खुद जाके ऑनलाइन नहीं मंगाए। तो ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा मदरबोर्ड, इसके अंदर जो है हमें मिल जाते हैं USB 3.0 पोर्ट मिल जाते हैं, USB 2.0 पोर्ट मिल जाते हैं, 4 HDMI, और ये क्योंकि HDMI और VGA तो केबल हम काम में लेने वाले नहीं है, हमें मोस्ट प्रोबली काम में लेना है ये लैन पोर्ट, USB पोर्ट, ये हेडफोन पोर्ट 3.5 mm का। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें क्या लगाएं, हम फैन लगा लेते हैं, इसमें फ़ैन नहीं लगाया है। प्रोसेसर मैंने इसके अंदर ऑलरेडी लगा दिया है पहले से ही, कैमरा को थोड़ा सा पास करना पड़ेगा, आई थिंक अब आपको अच्छा व्यू मिल पा रहा है। तो एक बार फिर से मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ, ये मैंने इसके अंदर प्रोसेसर लगा दिया, इंटेल का i5 प्रोसेसर है, और मैं इसके साथ यूज़ करने वाला हूँ, मेरे जो आपको पीछे लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे, ये 3 मॉनिटर मैं इसके साथ यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इस मदरबोर्ड के अंदर रैम लगा देते हैं, क्योंकि रैम जो होती है वो आपके कंप्यूटर की जान होती है, मेरे फेस पर कोई बात नहीं। रैम लगाना बहुत ही आसान है, पीसी बिल्ड करना बहुत ही आसान है। आप कोई लैपटॉप खरीदें उससे अच्छा है आप एक डेस्कटॉप बिल्ड कर लें, वो आपको सस्ता पड़ेगा और बहुत ही आसान है, आप खुद कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी को कोई कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो आप हमारे वीडियो भी देखते रहेंगे तो आपको ये जरूर पता चल जाएगी।
पहले एक काम पावर सप्लाई निकाल के लिए मैंने डिसाइड किया मैं सबसे पहले इसमें डी राइटर लगाऊंगा, उसके बाद में मदरबोर्ड लग गया। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, ग्राफिक कार्ड लगाते हैं।
तक जो है हमने ये यहाँ पे पावर सप्लाई लगाई है, मदरबोर्ड यहाँ पे सेटअप कर दिया, रैम लगा दिया, इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा दिया, और ये यहाँ पे हमने जो है डीवीडी राइटर यहाँ पे हमने हमारा इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा काम और कर लेता हूँ, मैं इसके अंदर जो है ये वायर कनेक्ट कर देता हूँ, हार्ड ड्राइव लगा देता हूँ, फिर इसे ऑन करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ये वायर कनेक्ट करते हैं। ये हमारा जो पूरा सिस्टम है वो बिल्ड हो चुका है, और यहाँ पे मैंने जो है इसके साथ 3 मॉनिटर सेटअप किए हैं ग्राफिक कार्ड की मदद से, और ये जो मैं है यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ मेरा वीडियो, और मैंने इसकी परफॉर्मेंस चेकआउट किया है। जो वीडियो एडिट करने में मेरे को लगता था तकरीबन 14-15 घंटे, वो जो है 14-15 मिनट के अंदर ही पूरा वीडियो एडिट हो जाता है, तो ये मेरे को इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल पा रहा है। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, या आपने वीडियो को यार लास्ट तक देखा है तो। और इसकी सारी प्राइस कॉस्ट मैं आपको बताऊँ तो ये तकरीबन मेरे को सारा पड़ा तकरीबन 12,000 रुपये का, जिसके अंदर हार्ड डिस्क, डीवीडी राइटर और कैबिनेट की कीमत जो है वो इंक्लूड नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नए वीडियो लेके आने की हिम्मत मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।